हेलो एवरीवन, तो एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया है कि जो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज होता है तो क्या उसमें मूड स्विंग भी होता है? जब पेन ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें मूड स्विंग भी होता है कि नहीं? तो कुछ दिन पहले मैं फाइब्रोसिस्टिक डिजीज पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और डिटेल में बताया है उसमें कि फाइब्रोसिस्टिक क्या होता है, तो उसी वीडियो पे क्वेश्चन है। जी हाँ, मूड स्विंग भी होता है। अगर ब्रेस्ट पेन बढ़ जाता है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में तो मूड स्विंग होता है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मूड स्विंग होता क्या है। मूड स्विंग का मतलब यही होता है कि जैसे कि अभी हम खुश हैं और अचानक से हमारा मूड चेंज हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, अचानक से गुस्सा आने लग गया। ओके, तो वही होता है कि जैसे खुश हैं अभी और अचानक से गुस्सा आने लगा, छोटी छोटी चीजों पे चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा आ जाना, या गुस्से में है तो थोड़ी देर बाद फिर मूड ठीक हो जाना, या हमेशा नेगेटिव बातें अंदर चलती रहती है, नेगेटिव चीजें, कोई अच्छा भी बोले तो वो भी जैसे लगता है कि हाँ वो नेगेटिव ही है, घबराहट, लेजीपन, ये सारी चीजें आ जाता है मूड स्विंग। जरूरी नहीं है कि आपको ब्रेस्ट पेन है तभी आपका मूड स्विंग होगा। जैसे कि बॉडी में कहीं भी तकलीफ है, दिक्कत है, तो अगर कोई कुछ बोलता है, अगर छोटी सी भी बात बोल देता है तो वो बहुत बड़ा लगता है। ओके, तो इस तरह से मूड डिस्टर्ब हो जाता है। मूड स्विंग का मतलब यही है, अचानक बिहेवियर में चेंज होना। तो इसके कई सारे कारण होते हैं जो मैंने अभी बताया, और भी बहुत सारे कारण है, तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।